पीथमपुर नगर में कर्मचारियों के अस्थायी और ठेके के अंतर्गत कार्य करने वाले नगर पालिका के समस्त कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी डॉक्टर मधु सक्सेना को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मुख्य मांगे पीथमपुर में जारी ठेका प्रथा, विनियमित कर्मचारियों को नियमित करना, मस्टर कर्मियों को स्थायी करने जैसे मुद्दों पर ज्ञापन दिया गया। मजदूर यूनियन के नेता राजेश खरे ने बताया कि नगर पालिका अधिकारियों की ठेकेदारों से मिली भगत के चलते कर्मचारी व अन्य वेतन भोगी परेशान हैं। ठेकेदारी में उन्हें शासन द्वारा निर्धारित मजदूरी से कम वेतन दिया जाता है, वहीं तय समय से ज्यादा समय तक कार्य करवाया जाता है, वहीं वेतन भुगतान में भी कई अनियमितताएं हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है जिसका त्वरित निराकरण किया जाए, नहीं तो कर्मचारी नगर पालिका के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर होंगे। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। आपका नाम? माननीय मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदया, नगर पालिका परिषद पीथमपुर, जिला धार, मध्य प्रदेश। विषय नगर पालिका के कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार कर उनकी समस्याओं का निराकरण करने बाबत। महोदया, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों की निम्नलिखित मांगे हैं, जैसे कि ठेका प्रथा बंद करना, कार्यरत ठेका कर्मचारियों को नगर पालिका परिषद की ओर से रखना। बताइए, विज्ञापन दिया आपने? आज हमारे सभी नगर पालिका के जितने भी हर विभाग के नल जल इलेक्ट्रिशियन ऑफिस सफाई कर्मचारी और जो भी कहीं पे जोनों पे काम कर रहा है, मास्टर कर्मचारी हो, विनियमित कर्मचारी हो या ठेके में कर रहा हो, उन सबकी मांगों के निराकरण के लिए आज सीएमओ मैडम को ज्ञापन दिया। क्या ज्ञापन दिया मैडम? उसमें हमारी मांगे थी ठेका प्रथा बंद हो और ठेके पे जो कर्मचारी काम कर रहा हो उनको नगर पालिका की ओर से रखा जाए। दूसरा है कि विनियमित कर्मचारी जो कि आज वर्षों से कर रहा है उनको नियमित किया जाए, मास्टर कर्मचारी को विनियमित किया जाए और उनके जो वेतन, जो निर्धारित वेतन है, जो शासन के आदेशानुसार जो बढ़ा हुआ वेतन, वो वेतन दिया जाए, लेकिन स्थापना अधिकारी और इनके कारण आज हमारे सारे कर्मचारी जो आप पूरे के पूरे नगर पालिका क्षेत्र में कार्यरत है उनका सभी के अधिकारों का हनन हो रहा है और उनका शोषण हो रहा है। मैडम ने क्या आश्वासन दिया है? मैडम ने आश्वासन दिया है कि मंगलवार के दिन परिषद की बैठक है, परिषद में भी प्रस्ताव रख दिया जाएगा और बुधवार के दिन उनसे चर्चा होगी, बुधवार के दिन वो हमें अवगत करवाएंगे सीएमओ मैडम उनके लिए गए निर्णय से। आपका नाम और पद बता दीजिए। मैं राजेश खरे, कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।